हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपका भाई रोहित सिंह। तो आज हम एक बात करेंगे ऑल न्यू सिटी के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है फ्रंट से, साइड लुक से भी। फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें जो आप हेडलाइन देख रहे हैं, इसमें जो है आपको 8 मिलता है और डे में ये 6 जो है वो जलता है और 2 जो है वो हाई बीम पे जलता है। अब इसका रिस्पॉन्स कैसा है वो तो देखेंगे। साइड लुक का बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये बड़ा और काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर मैं आपको पूरा अगर एंगल दिखा सकता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे भी जो इसका निकला हुआ वो काफ़ी स्पेस है और आगे का आप बोनट भी देख सकते हैं। बैक से बात करें तो एक बार मैं लाइट जला लेता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। बैक से देखिए जो DRL है ये कैसा लगता है, रात में बहुत सुंदर लगने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं DRL और आपको सिटी का बैजिंग भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो है बैक कैमरा का आपको प्लेट भी देखने के लिए मिलता है। और जो बूट स्पेस का बात करें तो इसमें आपको जो है 503 लीटर का जो है वो बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कि बूट स्पेस के लिए जो है आपको शिकायत नहीं होगा। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको एक साइज जो है वो छोटा मिलता है। इसमें होंडा ने आप कॉस्ट कटिंग किया, आप 2-3 हज़ार दे के सेम साइज का भी ले सकते हैं। ये देख लीजिए आप फ्रंट लुक लाइट जलने के बाद। ये जो है हाई बीम जल रहा है इसीलिए ये जो डिस्टर्ब हो रहा है। और आपको लेफ्ट में अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर भी जो है आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है। ये देखिए ये जो है साइड इंडिकेटर जब आप जलाएंगे लेफ्ट में तो जो आपको स्क्रीन पे है वो दिखेगा। अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं कि क्या है इसमें। इंटीरियर में बात करें तो जो कलर का सीट है वो आपको क्रीम कलर का देखने के लिए मिलता है, जो कि देखने में ही काफ़ी प्रीमियम लगता है। क्वालिटी वगैरह आप देख ही सकते हैं कितना शानदार है। अंदर में बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको सारा कंट्रोल मिलता है देखने के लिए, जो कि विंडोज़ का है, लॉक और अनलॉक का है, वो RPM कंट्रोल लेफ्ट राइट का है जो ऑप्शन, और ये जो है लॉक का करने का है मिरर वाला। गेट खोलने के लिए आपको सिल्वर क्रोम में मिलता है। ये जो है आपको पूरा लेदर फिनिश मिलता है। ये जो है आपका प्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ पर जो है आपको ट्यूटर भी मिलता है एक देखने के लिए। और एंट्री होने के बाद कुछ ऐसा साउंड मिलेगा और यहाँ से पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आप देख सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये दबाने पर जो है रेड है, जो कि स्पोर्ट्स कार का जो है आपको फील देने वाला है। और यहाँ पर जो है मैं अगर इसे दोबारा प्रेस करता हूँ तो देखिए जो एंट्री है कार का वो कितना शानदार है। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार लगता है देखने में। स्टेयरिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी आपको खूबसूरत है देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन का कंट्रोल मिलता है होम बटन में। ये जो है आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए मिलता है, सोर्स है, और जो ये फ़ोन है आपको रिसीव और कट करने के लिए मिलता है। ये है वॉइस कंट्रोल और यहाँ पर जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए देखने के लिए मिल जाता है, रीसेट ऑप्शन, और ये रहा आपका लाइट का कंट्रोल। यहाँ पर जो है आप क्रूज़ कंट्रोल प्लस माइनस का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ है आपका प्लस का और यहाँ पर है माइनस का पेडल शिफ्टर, और यहाँ पर जो है आपको वाइपर कंट्रोल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए है। स्क्रीन जो है कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा जो है वो लैग नहीं है इसमें। ऐप्स वगैरह जो है USB वगैरह आप ब्लूटूथ वगैरह इसमें मिलता है, और जिसमें स्पीकर है वो 8 आते हैं और ट्विटर जो है वो 4 आते हैं। स्पेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई स्पेस नहीं है। ये जो है आपको लेदर का स्टिचिंग किया हुआ मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वुडन फिनिश में आता है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये जो है आपको ऑटोमेटिक में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसका मतलब है ये आपका थोड़ा जो है इको मोड, आप इसे नॉर्मल में समझ सकते हैं, जो कि जो आपका माइलेज है वो थोड़ा इन्हेंस कर देता है। यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है थोड़ा बहुत। नीचे में आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी है जो आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। ऑटोमेटिक में मैं बात करूँ तो गियर जो है इसका देखने में कुछ खास नहीं लगता है, और ना ही मैनुअल का भी मैं अगर बात करूँ तो वो भी कुछ खास नहीं लगता है। इसमें जो है होंडा को काम करना चाहिए। एसी के कंट्रोल आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है आपको हैंडरेस्ट मिलता है देखने के लिए, जो कि इसमें भी जो है काफ़ी स्पेस है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आप अपना की वगैरह रख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं साइड कर्टन के साथ, ये देख सकते हैं। ये काफ़ी मुझे खूबसूरत लगा, ये जो आप देख रहे हैं लाइट का, ये देखिए ये LED लाइट जो है इसमें मिलता है, और ऊपर में जो है आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पीछे में बात करें तो आप देख सकते हैं वैसे ही लाइट का है, जो कि आप देख सकते हैं कितना शानदार लगता है। और वो जो आप बैक ग्लास देख रहे हैं उसमें जो है वो नेट लगा हुआ है, ये टॉप मॉडल है तो इसमें जो है कंपनी के तरफ से ही आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं रियर पे। तो रियर में जाने के बाद आप देख सकते हैं सारा जगह ZX का बैजिंग है, ये प्लास्टिक में लगा हुआ है। जो स्पेस है सेडान में तो कहना ही नहीं है। ये जो आप सीट देख रहे हैं ये लास्ट जो है ये पीछे करके मैं बैठा था, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं जो लेग रूम है वो कितना है, और हेडरूम भी काफ़ी है। सेडान में तो ऐसे कम ही रहता है लेकिन सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ आपको जो लेग रूम मिल जा रहा है, तो जो आप इस पोजीशन में बैठ रहे हैं कि देख सकते हैं एकदम सोफ़ा टाइप का सीट है, तो आपका जो पोजीशन भी है बैठने का वो थोड़ा आगे होके और थोड़ा झुक के रहता है, तो इसमें जो है आपका लेग रूम जो हेडरूम है वो मैनेजेबल हो जाता है। यहाँ पर भी आपको दो लाइट देखने के लिए मिलते हैं जो कि LED हैं, देख सकते हैं, और जो इसका क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है। प्लस अगर आप मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नेट लगा हुआ है, इसे मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, जो कि आराम से जो है पीछे चला जाता है, और काफ़ी देख सकते हैं बड़ा लगता है। यहाँ पर जो है आपको दो AC वेंट मिलते हैं। नीचे में जो है आपको दो चार्जिंग सॉकेट भी मिलते हैं। यहाँ पर जो है आपका कुछ का रखने के लिए थोड़ा मोड़ा स्पेस मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं दो कप होल्डर मिल जाता है, जो कि पूरा जो है वो नीचे चला जाता है, आप देख सकते हैं। बाकी कार में क्या होता है कि ये जो है ऊपर रहता है यहाँ तक, लेकिन इसमें जो है ये पूरा नीचे चला जाता है। आप हाथ वात रख के ये काफ़ी जो है मतलब देख सकते हैं स्पॉन्जी टाइप का है, जो कि काफ़ी जो है अच्छा लगता है देखने में। पीछे से बात करें तो कुछ लुक ऐसा दिखने के लिए आपको मिलेगा होंडा सिटी का, इसमें आपको स्टेयरिंग वगैरह भी अभी समझ में आ रहा होगा लुक, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो अब आप ले सकते हैं, क्योंकि होंडा सिटी जो है वो पहले जैसा अब नहीं रहा, काफ़ी कुछ बदल गया है और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। इसमें आपको 1500 CC का जो है इंजन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है चलाने में। डीजल इंजन जो इसका भी बंद हो गया है, जो कि आपको अभी जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी है पेट्रोल उसमें जो है ये आपको मिल जाएगा देखने का। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इसे चला के भी, और जो इसे बैठेंगे वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। लॉन्ग ड्राइव में आपको और हाईवे पे काफ़ी मज़ा देने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये जो है आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 15.5 लाख है ऑन रोड, ये मैं कोलकाता का बात कर रहा हूँ, वो अलग अलग स्टेट पर वेरी कर सकता है प्राइस ऑन रोड। तो ओवरऑल वीडियो में यही था कि गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये सब का आप जो पोजीशन देख रहे हैं ये कैसे झुका हुआ है, काफ़ी जो है मज़ेदार है कार। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इसे ज़रूर देखिएगा सेडान में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।